अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिद इकबाल और आज हम मोबाइल फ़ोन के बारे में बात करने वाले हैं। वो है आईफोन का 16 और 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स वगैरह वगैरह। इस बार आईफोन के जो वेरिएंट्स लॉन्च होने वाले हैं वो है आईफोन 16, 16 एस ई, 16 एस ई प्लस और 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स। अभी मोबाइल लॉन्च होने में तो कई तकरीबन कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन जो फीचर्स और जो स्पेसिफिकेशन लीक जो हमारे पास मौजूद हैं अभी, हम उसके हवाले से बात करेंगे। तकरीबन कोई जो वेरिएंट्स हैं 16 SE, 16 SE प्लस, उसमें सिर्फ स्क्रीन का जो फ़र्क होगा वही होगा। आईफोन 16, 16 SE और 16 SE प्लस, इनके फीचर्स में कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा। साइज़ भी तकरीबन सेम ही होगा, लेकिन SE प्लस जो है वो उसका डिस्प्ले बड़ा होगा, उसमें बैटरी थोड़ी सी बड़ी आएगी। लेकिन 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स जो हैं उनमें बाकी 16 SE, 16 SE प्लस और 16 जो हैं उनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं, बैटरी लेके और डिस्प्ले को लेके काफ़ी ज़्यादा हद तक वो चेंजेस लेके आया है। और इस बार जो है डिस्प्ले भी पिछले मोबाइल जो आईफोन ने लॉन्च किए हुए हैं, एप्पल आईफोन के 15 प्रो, प्रो मैक्स वगैरह, तो बैटरी भी काफ़ी हद तक बढ़ा दी गई है और स्क्रीन रेजोल्यूशन को भी बढ़ाया गया है, डिस्प्ले को भी बढ़ाया गया है। इस दफ़ा हम ऐसे रूमर्स भी कह लें या ऑफिशियली जो आईफोन के CEO हैं उनकी तरफ से जो ट्वीट वगैरह आए हुए हैं, वो तकरीबन 6.9 16 प्रो मैक्स का डिस्प्ले होगा और 6.3 जो है वो 16 प्रो का डिस्प्ले होगा। और रैम जो है इस दफ़ा 8GB की रैम उन्होंने डाली हुई है 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स में। और बाकी के बारे में अभी तक ताहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, शायद 6 या 8GB की रैम उसमें भी आएगी। और कैमरे के हवाले से बात करते हैं तो कैमरा इस दफ़ा 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा आईफोन 16 प्रो मैक्स में और 16 प्रो में हमें देखने को मिलेगा। 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स में इस दफ़ा हमें 5x टेट्रापरिज्म लेंस भी देखने को मिलेगा, जो कि अपने कैमरे की जो वीडियो क्वालिटी है, जो पिक्चर की क्वालिटी है, वो काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। बैटरी के हवाले से बात करते हैं तो 16 प्रो जो छोटा वेरिएंट है उसमें, जिसका 6.3 का डिस्प्ले है, तो उसके लिए जो बैटरी रखी गई है वो 3355 mAh यानी 3355 mAh की बैटरी लगाई गई है। और 16 प्रो मैक्स में इस दफ़ा जो बैटरी लगाई गई है वो इस दफ़ा 4700 mAh तक की बैटरी लेके आ रहा है। वाईफाई की अगर बात करें तो इस दफ़ा 16, 16 SE और 16 SE प्लस में वाईफाई 6E हमको देखने को मिलेगा, और 16 प्रो और प्रो मैक्स में इस दफ़ा वाईफाई 7 को ऐड किया गया है। कलर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इस दफ़ा दो कलर्स को ऐड किया गया है, दो कलर्स ऐसे आएंगे यानी डिज़र्ट येलो, जो टाइटेनियम येलो इसको कहते हैं, और सीमेंट ग्रे, टाइटेनियम ग्रे भी उसको कहते हैं। बाकी जो कलर्स हैं वो ब्लैक, वाइट, ब्लू और जो नेचुरल टाइटेनियम है वो तो उसमें आएंगे, लेकिन ये दो येलो को अगर आप गोल्ड भी कह दें तो शायद इन्होंने इस दफ़ा थोड़ा नाम चेंज कर दिया है, जर्ट येलो का नाम दे दिया है और सीमेंट ग्रे का नाम दे दिया है, जो नेचुरल टाइटेनियम का जो कलर होता है वही आएगा। अब आते हैं मेमोरी के बारे में बात करते हैं तो 256 GB से लेके इस दफ़ा आईफोन 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स में 2TB तक हमें वेरिएंट्स मिलेंगे, 2TB की मेमोरी उसमें हमें देखने को मिल जाती है। चिपसेट की अगर बात करें तो चिपसेट जो है एप्पल का अपना ही वो चिपसेट बनाते हैं, तो A18 है, A18 के नाम से जो इनका आता है 16, 15, जिस तरह पिछले जो वेरिएंट्स थे उसमें आए हुए थे, तो इस दफ़ा आईफोन 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स में हमें देखने को मिलेगा A18। डिस्प्ले के बारे में थोड़ा सा मैं क्लियर बता दूँ, क्योंकि इस दफ़ा आईफोन 16 प्रो मैक्स में 6.9 इंचेस का वो डिस्प्ले लेके आ रहे हैं, तो जिस तरह पिछले में था वो 6.7 14 13 में भी 6.7 इंचेस के वो डिस्प्ले आते थे, इस दफ़ा आपको एक बड़ा तगड़ा सा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और जो प्रो वेरिएंट्स हैं 15 प्रो या 14 प्रो, तो उनका भी जो है वो 6.1 से बढ़ा के अभी 6.3 का डिस्प्ले वो लेके आएंगे। इसमें कैमरा के बारे में भी ज़रा बता दूँ, कैमरा जो है वो इस दफ़ा सैमसंग को कॉपी करने वाला है। वर्टिकल शेप में आपको 3-4 कैमरे देखने को मिलेंगे, 3 और साइड में, जिस तरह सैमसंग S22, 23 अल्ट्रा, 22 अल्ट्रा और 24 अल्ट्रा में जो सीरीज़ में जिस तरह का उन्होंने वर्टिकल शेप दिया हुआ है, इसी तरह का शेप इस दफ़ा हमें आईफोन में मिलेगा 16 प्रो में, 16 प्रो मैक्स में। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आईफोन 16 प्रो के हवाले से, 16 प्रो मैक्स के हवाले से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।